तो ध्यान देना बच्चों, आज हम लोग ग्रुप 17 के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, ग्रुप 17 का मतलब क्या होता है बच्चों? वो तो आपका हैलोजन फैमिली, हैलोजन फैमिली। ठीक है, तो हैलोजन के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है ना, एलिमेंट क्या क्या होता है हैलोजन में यार? क्या होता है बच्चों? फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, एटी होता है। ठीक है, इसका आपको टर्मिनल नंबर बताया, आप बताया हुआ है। क्लोरीन कितना होना है? क्लोरीन 17, ब्रोमीन 35, आयोडीन 53 एंड आपका एटी का 35 होता है। ठीक, पहले आपका मास भी समझाया हुआ है, आपको मास याद करना है। किसने से मास याद करना है? मास आपको आयोडीन तक मास याद होना चाहिए, आयोडीन तक का मास याद होना चाहिए। क्लोरीन 19 होता है, क्लोरीन के लिए हम 35.5 यूज करते हैं, 35.5 मास के लिए। ब्रोमीन के लिए आप 80 बोल देना, ब्रोमीन को 80 आप याद करना 80, और आयोडीन का मास बोलना 127, इस तरह से आप मास याद कर सकते हो। ठीक है, तो फ्लोरीन 19, क्लोरीन 35.5, ब्रोमीन का होगा 80 और आयोडीन होगा 127। ठीक, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन समझाया हुआ है। ठीक है, सारे कॉन्फ़िगरेशन में देखोगे, पी सबसेल है 5 इलेक्ट्रॉन होगा, आउटर मोस्ट पी सबसेल में समय 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पे देखो रेडियस से बात करोगे तो रेडियस है नीचे बढ़ना चाहिए, तो देखो रेडियस बढ़ रहा है नीचे, रेडियस बढ़ रहा है विदाउट एनी एक्सेप्शन, क्या है रेडियस आपका इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, बात करते हैं आयनिक रेडियस का, यानी सर का अनायन का। तो अनायन का मतलब क्या है? एफ माइनस, सी एल माइनस, बी आर माइनस, आई माइनस, यानी इसका अनायन हो गया। तो ये अनायनिक रेडियस के बारे में बात कर रहे हम लोग। तो यहाँ पे क्या है, ये दिया हुआ आपके पास 133, 184, 186, 220, यानी विदाउट एनी एक्सेप्शन क्या हो रहा है, नीचे इंक्रीज कर रहा है, नीचे इंक्रीज कर रहा है। ठीक, अगला बात करते हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी का, यानी जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कितना एनर्जी उनको देना पड़ेगा। आपको पता है कि नीचे जाने से क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी घटता है, डिक्रीज करना चाहिए। डाउन द ग्रुप में क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करना चाहिए। देखो डिक्रीज कर रहा है, देखो डिक्रीज कर रहा है वैल्यू। ठीक है, सब्साइज होगा फ्लोरीन के लिए, कि नीचे जाने से क्या हो रहा है, नीचे जाने से आपका घट रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्लास में ऑक्सीजन का बात किए थे, ऑक्सीजन का गेन एंथैल्पी क्या था, सबसे सबसे नीचे चला जाता है, याद है ना? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन क्योंकि आता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हैलोजन का देखोगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ हैलोजन, एंथैल्पी ऑफ हैलोजन, अगर हम बात करें हैलोजन का, तो सबसे हाईएस्ट होता है क्लोरीन का यार, फिर होगा फ्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, और फिर आयोडीन का। यानी आपका ऑर्डर ऐसे चलता है, यानी फ्लोरीन को यहाँ होना चाहिए था जो कि यहाँ चला जाता है, यानी फ्लोरीन सेकेंड मोस्ट आ जाता है। ठीक है, आप डेटा भी देख लो, आप डेटा भी देख लो, देखो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट एनर्जी किसने निकल रहा है, यहाँ पे क्लोरीन में 349, फिर फ्लोरीन में 333, फिर क्या होगा, फिर ब्रोमिन में 325, फिर आयोडीन में 296। यानी कि देखोगे आपका जो एनर्जी जो इवॉल्व कर रहा है वो फ्लोरीन में सेकेंड हाईएस्ट है, फ्लोरीन में सेकेंड हाईएस्ट है। वही हम बात करते हैं ऑक्सीजन फैमिली का, तो ऑक्सीजन फैमिली का था, ऑक्सीजन का लास्ट चला गया था, लास्ट चला गया था, तो आपको ग्रुप में ऑर्डर याद होना चाहिए, कभी कभी ऑर्डर पूछ देता आपसे। तो फ्लोरीन का वाले क्या होगा, आपको यहाँ यहाँ रखना है, आपको फ्लोरीन को यहाँ रखना है। ठीक है, तो आपको हम वो बता रहे थे। अब ऐसा क्यों होता है, वही रीजन होगा जो कल हम लोग ऑक्सीजन फैमिली के लिए सीखे थे। ठीक है, लास्ट क्लास में क्या सीखे थे कि क्वेश्चन पूछता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन ज़्यादा क्यों होता है फ्लोरीन से, इसका रीजन पूछता है आपसे। आप बोलोगे कि फ्लोरीन छोटा साइज का होता है, तो छोटा साइज का होगा और क्लोरीन का तो बड़ा साइज का होता है, तो बड़े साइज में क्या होता है, तो इनकमिंग जो इलेक्ट्रॉन जो इसमें ऐड होने वाला है, बाहर से इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करने वाले हो ना, उसको रिपल्सन ज़्यादा कहाँ मिलेगा, रिपल्सन ज़्यादा मिलेगा इसमें। तो यहाँ पे क्या होगा, ड्यू टू हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, ड्यू टू हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन। या फिर बोलना फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस होता है क्लोरीन से, क्योंकि इसके पास क्या होता है, हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है। क्यों होता है, एज
या फिर इसको बेटर वर्ड क्या होगा इसके लिए, बच्चे लोग इसके लिए पैसे सुन सकते हो जो टू हाई इंटरटोनिक रिपल्सन इलेक्ट्रॉन गेन का प्योर फ्लोरिन इज डजन फ्लोरिन। ठीक है, अभी इंटरटोनिक रिपल्सन हाई क्यों होता है इसके लिए बोल सकते हो जो टू स्मॉल साइज, जो टू यहाँ से देखना स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरिन there is high intertonic repulsion। ठीक है, आप इतना लिख देना जो टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरिन there is high intertonic repulsion, स्कूल में आप ऐसे लिख दोगे। ठीक है, ये हमें तो इम्पोर्टेंट ऑर्डर है आपके कॉम्पिटिशन के लिए भी और स्कूल के लिए भी। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे हो गया इलेक्ट्रॉन गेन थैल्पी हम लोग पढ़ लिए, नेक्स्ट हम मूव करते हैं किसके। चलो इतना पॉइंट होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो आपको पता है कि नीचे घटता है तो को नीचे घट रहा है। फ्लोरीन का कितना होता है, चार होता है, फ्लोरीन का 3.2 होता है, ब्रोमीन का 3 होता है और आयोडीन का 0.7 होता है। ठीक है, और एटी का दिया हुआ है कितना 2.3। ठीक है, अगला पॉइंट होता है डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन। अरे हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, देखो हाइड्रेशन का मतलब सुनने गलत है, जब बात करते हैं चलो हाइड्रेशन का, तो हाइड्रेशन हमेशा होता है आयन का। ठीक है, तो हाइड्रेशन का मतलब समझोगे, जब हैलोजन हैलोजन वाटर में डालोगे तो वाटर का जो, चूंकि हैलोजन का चार्ज नेगेटिव है तो वाटर का एक पॉजिटिव सेंटर होता होगा, वाटर का एक पॉजिटिव सेंटर होता होगा। कौन सा, वाटर के अंदर देखोगे तो वाटर के अंदर ओ है और एच है, ओ पे ओ डेल्टा नेगेटिव सेंटर है और जो एच है तो डेल्टा पॉजिटिव सेंटर होता है। तो वाटर का जो डेल्टा पॉजिटिव सेंटर नहीं एच जो है तो हैलोजन आयन के पास आ सकता है। ठीक है, पास आ गया तो यहाँ पे क्या इंट्रैक्शन होगा, इस नेगेटिव पॉजिटिव में क्या होगा, एक इंट्रैक्शन होगा। इस प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग हाइड्रेशन, क्या बोलेंगे हाइड्रेशन। ठीक है, तो हाइड्रेशन मतलब हो रहा है, तो हाइड्रेशन प्रोसेस में चूंकि आपका प्रोसेस क्या है, इसमें अट्रैक्शन, इसमें एक अट्रैक्शन हो रहा है, और जब अट्रैक्शन हो रहा है तो अट्रैक्शन प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी का एनर्जी एज रिलीज, एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, यानी हाइड्रेशन प्रोसेस क्या होगा, इसका जो हाइड्रेशन प्रोसेस डेल्टा एच होता है, डेल्टा एच जो होता है इसको बोलते हैं डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन। ये होगा नेगेटिव, क्या होगा नेगेटिव, नेगेटिव मतलब क्या होगा, एनर्जी इसमें इवॉल्व करना है, एनर्जी इसमें इवॉल्व करने वाला है। इस हाइड्रेशन का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, ये जो हाइड्रेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा ये प्रोपोर्शनल टू होता है चार्ज, तो चार्ज ऑफ आयन, चार्ज ऑफ आयन यानी आयन पे चार्ज कितना है वाला, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है साइज। ठीक है, साइज क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ये दोनों फैक्टर पर डिपेंड करेगा, दोनों फैक्टर पर डिपेंड करने वाले हैं। ठीक है, अब ध्यान देना फ्लोरीन ब्रोमीन और क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का हम बात करते हैं हम लोग, तो सब में चार तो कॉमन है ना, सब में चार तो बराबर है यार, सब में चार तो बराबर है, सब में चार्ज क्या -1 है। लेकिन अब बात करते हैं साइज का, तो साइज क्या है, साइज छोटा कौन है, फ्लोरीन छोटा है, तो चार्ज का फैक्टर सब में कॉन्स्टेंट, तो चार्ज का फैक्टर कॉन्स्टेंट सारे में है, तो चार्ज का फैक्टर कॉन्स्टेंट में सब में क्या चार -1 है। तो अल्टीमेटली किस, तो अल्टीमेटली अगर हमको हाइड्रेशन को कंपेयर करना होगा तो डिपेंड किस पे करेगा, साइज पे। तो यहाँ से इधर चूंकि साइज घट रहा है तो जो हाइड्रेशन का जो वैल्यू होगा, जो हाइड्रेशन का वैल्यू होगा क्या होगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा क्योंकि साइज घट रहा है। कहाँ, आयोडीन से जगह अब फ्लोरीन मूव करोगे तो फ्लोरीन का जो हाइड्रेशन वैल्यू है वो हाईएस्ट होगा, क्या होगा हाईएस्ट होगा, क्यों हाईएस्ट होगा, ड्यू टू स्मॉल साइज, ड्यू टू स्मॉल साइज। ठीक, ये रहेगा हम लोग हाइड्रेशन के बारे में समझना हम लोग। चलो ठीक, अगला पॉइंट है तो हाइड्रेशन का फंडा क्लियर हुआ हम लोग का। देखो वैल्यू भी चेक कर लेते हैं, फ्लोरीन का है 515, फ्लोरीन का 381 है, ब्रोमीन का 347 है और आयोडीन का 305 है। तो देखो घट रहा है, अब देखो बाहर में यहाँ पर माइनस साइन लगना चाहिए था, माइनस साइन लगाया नहीं है, गलत किया है, माइनस यहाँ पर होना चाहिए था, माइनस यहाँ पर होना चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली डेल्टा एच बोला है ना, तो डेल्टा एच तो नेगेटिव होगा, हाइड्रेशन पर क्या होगा नेगेटिव, यहाँ पर माइनस साइन होना चाहिए था जो कि आपने लगा के नहीं दिया हुआ है। तो आपके बुक में सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है तो उसको आपको साइन लगा लेना, साइन आपको लगा लेना। ठीक, ध्यान देना
हम बात करेंगे F2, Cl2, Br2 और I2, ठीक है। F2, Cl2, Br2, I2। तो उसका उसके बारे में बात करें तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में बात किया गया, तो याद है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड किस पे करता है? मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन पे। और मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन डिपेंड किस पे करता है? मास पे। मास पे देखो जैसे मास हाइएस्ट किसका है? आयोडीन का मास हाइएस्ट है, देखो तो आयोडीन का देखो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाइएस्ट होगा। इसमें देखो बिना किसी एक्सेप्शन का जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इधर इंक्रीज कर रहा है, इधर इंक्रीज कर रहा है, ठीक। आपको ध्यान देना है कि ब्रोमीन एक ऐसा एलिमेंट होता है, ठीक है, जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, ठीक है। तो ब्रोमीन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 265, बॉइलिंग पॉइंट होता है 332, यानी इसके बीच में होगा रूम टेम्परेचर, तो वहाँ पर इसका एसिड होता है लिक्विड, ठीक है। क्लोरीन फ्लोरीन चेक करोगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत बहुत पीछे है, बहुत लेस टेम्परेचर पर भी ये बॉयल कर जाएगा, यानी इसका स्टेट क्या होगा? गैस होगा। आप आयोडीन का बात करते हो तो आयोडीन का जो मेल्टिंग पॉइंट है 386 है, काफ़ी ज़्यादा हाई है, यानी इसका रूम टेम्परेचर पे इसका स्टेट क्या होगा? सॉलिड होगा, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे आयोडीन क्या होगा? सॉलिड स्टेट में होगा। ब्रोमीन होगा लिक्विड में और बाकी दोनों होगा गैस में, ठीक है। बात करें डेंसिटी का, तो डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मास ऑफ वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ मास ऑफ वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ मास ऑफ वॉल्यूम होगा तो मास का फैक्टर डोमेटिंग होता है, मास का फैक्टर डोमेट करता है। मास जिसका ज़्यादा होगा जनरली उसका डेंसिटी क्या होता है? ज़्यादा होता है। मास नीचे बढ़ रहा है, देखो नीचे डेंसिटी भी क्या होगा? नीचे आपका इंक्रीज करता चला जाएगा, डेंसिटी भी क्या होगा? इंक्रीज करता चला जाएगा, ठीक। अगला पॉइंट है बॉन्ड लेंथ, यानी हैलोजन के बीच का बॉन्ड लेंथ। तो जितना जिसका साइज बड़ा होगा उतना ही बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा। देखो नीचे जब आप जैसे आप फ्लोरिन से मूव करोगे आयोडीन पे, तो फ्लोरिन से जब आयोडीन पे मूव कर रहे हो तो आपका क्या होगा? आपका बॉन्ड डिस्टेंस भी क्या हो रहा है? इंक्रीज करते चला जा रहा है, ठीक है। अगला बात करते हैं बॉन्ड डिस्टेंस एंथैल्पी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान देना। जब भी हम बात कर रहे हैं चलो बॉन्ड डिस्टेंस एंथैल्पी ऑफ किसका? हैलोजन्स का। बॉन्ड डिस्टेंस एंथैल्पी of halogen, ठीक है। तो बॉन्ड डिस्टेंस एंथैल्पी ऑफ हैलोजन का हम बात करते हैं, तो ध्यान देंगे इस को। यहाँ पे क्या है कि जनरली क्या होता है, आपको वो मैंने बोला था कि बॉन्ड डिस्टेंस एंथैल्पी रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जिसका रेडियस छोटा होगा, जो स्मॉल साइज का होगा, उसका बॉन्ड डिस्टेंस पे क्या होगा? हाई होना चाहिए। इसके बेसिस पे बात करेंगे तो फ्लोरीन का बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होगा, फिर क्लोरीन होगा, फिर ब्रोमीन होगा और फिर आयोडीन होगा। ऐसा होना चाहिए था, बट ये ऑर्डर क्या है? ये ऑर्डर गलत है, इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, ये ऑर्डर ऐसा सही नहीं है, ठीक है। तो करेक्शन क्या था जानना, इसमें करेक्शन क्या करना होता है कि जो फ्लोरीन है ना, बाकी सब ठीक है, तो फ्लोरीन को आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा, आपको फ्लोरीन को यहाँ से आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। हटाना क्या पड़ेगा तो समझो आप लोग, ध्यान देना। तो फ्लोरीन में होता क्या प्रॉब्लम कि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है, चलो बहुत बढ़िया बॉन्ड अच्छा बन गया, लेकिन जब छोटा है तो यार इसका जो लोन पेयर है बहुत पास आ जाता है, तो इसका लोन पेयर में क्या होता है? रिपल्शन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लोन पेयर रिपल्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो लोन पर रिपल्शन होने के कारण क्या होगा? इसमें एक्स्ट्रा आपका इसका बॉन्ड टूटना चाहेगा, ठीक है। तो ये जो फ्लोरीन का पॉइंट इसको यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा, तो इस लोन पर रिपल्शन के कारण क्यों हो रहा है? ड्यू टू स्मॉल साइज। तो साइज स्मॉल होने के कारण क्या होता है? लोन पर पास आ गया, पास आने के कारण क्या हो रहा है? इसमें रिपल्शन होना स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें रिपल्शन होगा तो क्या होगा? आपका फ्लोरीन का बॉन्ड स्ट्रेंथ हाईएस्ट नहीं होगा, इसका एक नया ऑर्डर लिख लिख बता रहे हैं। तो आपका जो होगा सबसे हाइस्ट होगा क्या? सबसे हाइस्ट होता है ClCl का, फिर होगा BrBr का, ठीक है। तो दोनों जो होता है उसके बाद होता है FF का, यानी फ्लोरीन जो है वो जंप कर जाता है ब्रोमीन से पीछे, लास्ट में होता है आयोडीन का। ये पॉडर क्या क्या करना है? सबसे हाइस्ट होगा फ्लोरीन,
फिर ब्रोमीन और फिर फ्लोरीन और लास्ट में आयोडीन, ठीक है। अब डाटा को भी चेक कर लो, डाटा को भी चेक कर लो, इनसे का जो डाटा आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ देखो ना, ये फ्लोरीन का वैल्यू कितना हो रहा है, देखो 158, फ्लोरीन का 242, ब्रोमीन का 182 और आयोडीन का क्या है 151। आपको ये भी ध्यान देना है जो फ्लोरीन का जो बॉन्ड एन्थैल्पी है वो आयोडीन के ऑलमोस्ट पास में, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है किसका बॉन्ड एन्थैल्पी ऑलमोस्ट कंपेरेबल है, तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि जो क्लोरीन और सॉरी जो फ्लोरीन और जो आयोडीन है उसका कंपेरेबल होता है। तो बॉन्ड एन्थैल्पी ऑफ फ्लोरीन एंड आयोडीन इज कंपेरेबल। इससे भी कभी ये क्वेश्चन पूछ देगा आपसे, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है, ये चीज आपको ध्यान दोगे, ठीक है। तो ये रहेगा आपका बॉन्ड एन्थैल्पी के बारे में। अगला पॉइंट आता है, ध्यान देना लास्ट टेबल में क्या डाटा दिया हो, चलो लास्ट आपका टेबल में जो डाटा दिया उसको हम लोग देख लेते हैं। लास्ट में क्या दिया हुआ है, हम लोग को हमको दिया इनोड वैल्यूज, इनोड वैल्यूज और इनोड वैल्यूज में देखो यहाँ पे सब साइज किसके लिए है, एफ के लिए है, एफ टू के लिए है, फिर Cl2 के लिए है, और फिर Pi2 के लिए है, फिर I2 के लिए है। यानी इनोड वैल्यूज में इनोड का वैल्यू का मतलब किसके लिए दिया गया, तो ये RP के लिए है, ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल है, आपका रिडक्शन पोटेंशियल है। इसका मतलब ध्यान देना, इसका मतलब ध्यान दोगे आप लोग, ये इनोड दिया हुआ RP यानी रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। इसमें क्या हो रहा है, आपका जो हैलोजन है जा रहा है X माइनस में, एक्वस में, इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है। यानी ये आपका RP दिया हुआ है, ठीक है। तो RP हाईएस्ट किसका आपके पास है, तो RP हाईएस्ट किसका है, तो RP आपका हाईएस्ट है फ्लोरीन का। इसको कंपेयर करेंगे तो जो RP का वैल्यू कंपेयर करेंगे तो क्या हुआ, RP मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। एक्सरसाइज फ्लोरीन के लिए है, फिर क्या है फ्लोरीन के लिए है, फिर ब्रोमीन के लिए और फिर आयोडीन के लिए, ठीक है। तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल होगा तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो जिसका RP सबसे हाईएस्ट होगा वो जल्दी रिड्यूस होना चाहेगा, उतना ही अच्छा क्या होगा, उतना ही अच्छा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जिसका RP सबसे अच्छा होगा वो खुद को रिड्यूस करना चाहेगा, उतना ही क्या होगा, उतना ही अच्छा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो क्या होगा, फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इस ट्रेंड में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। तो ऐसा आपका ऑर्डर होना चाहिए। पॉइंट आता है, क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन ये आता है कि अगर बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी का, तो इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी किसका ज़्यादा हाईएस्ट था, फ्लोरीन और क्लोरीन अगर दोनों इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो जल्दी जिसका एनर्जी ज़्यादा इवॉल्व करेगा, तो आपको पता है कि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ज्यादा गेन एन्थैल्पी किसका था, चलो क्लोरीन का ज्यादा था, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन, ऐसा था। यानी जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन गेन करना चाहता है, क्लोरीन गेन करना चाहता है। तो अगर जल्दी इलेक्ट्रॉन क्लोरीन गेन करना चाहता है, इसका मतलब क्या हो, क्लोरीन जल्दी जल्दी रिएक्ट करेगा, यानी क्लोरीन जल्दी रिड्यूस होना चाहता है, ठीक है, ऐसा आप सोच सकते हो। तो यहाँ पे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो क्लोरीन होना चाहिए। तो क्वेश्चन आता है कि ऑल्दो इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन, फिर भी आपका जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे जब बात करेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्लोरीन बेटर क्यों होता है, क्वेश्चन पूछता आपसे, ठीक है। तो आपको इसको ऐसा रिप्लाई करना है, क्योंकि आप जब आरपी देख रहे हो ना, आरपी तो आरपी वालों में देखोगे तो एफ टू आगे है क्लोरीन से, एफ टू आगे क्यों हो रहा है, इसका रीजन समझोगे। यानी आरपी वालों में जो फ्लोरीन आगे क्यों हो रहा है उसका एक अपना लॉजिक है, लॉजिक समझोगे। जब भी हम आरपी वैल्यू निकालते हैं ना, तो आरपी वैल्यू हमेशा निकालते हैं आपके एक्वस मीडियम में, ध्यान देना। जब भी हम इनोट ऑफ आरपी का बात कर रहे हैं उसके लिए मीडियम क्या होता है, आपका मीडियम होता है आपका एक्वस, ठीक है। अब यहाँ तक प्रोसेस है, जो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, हैलोजन जो गैस फेज था उसको आप भेज रहे हो एक्वस फेज के अनायन में, भेज रहे हो यहाँ भेज रहे हो, और इस प्रोसेस का आप इनोट निकाल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, अब ध्यान देना, इस प्रोसेस समझने के लिए समझ यहाँ पर,
तो अल्टीमेटली क्या है, यहाँ यहाँ पर अपना एक डेल्टा एच होगा, इसका अपना एक डेल्टा एच होगा, ठीक है, इसका अपना एक डेल्टा एच होगा। और आप लोग पता है डेल्टा एच से हम लोग क्या लिंक कर सकते, डेल्टा जी लिंक कर सकते, डेल्टा जी को लिंक कर सकते हैं, इसका अपना एक डेल्टा जी होगा। डेल्टा जी का वैल्यू किस पर डिपेंड करेगा, डेल्टा जी को लिख सकते हो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, आप ऐसा लिख सकते हो। क्योंकि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे गैस था और यहाँ पे एक्वस में जा रहा है, इसका मतलब क्या है, एंट्रोपी क्या हो रहा है, एंट्रोपी नेगेटिव होगा, एंट्रोपी नेगेटिव होगा, एंट्रोपी आपका नेगेटिव, इन डेल्टा एस के आपके लिए नेगेटिव, ठीक। तो अल्टीमेटली अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी का नेगेटिव होना बहुत जरूरी है, प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी का नेगेटिव होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब चूंकि डेल्टा एस नेगेटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि डेल्टा जी जो नेगेटिव हो रहा है उसका पूरा रीजन डेल्टा एच है, ठीक है। तो डेल्टा जी अगर प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस होना है, प्रोसेस को अगर स्पॉन्टेनियस होना है तो डेल्टा जी को नेगेटिव होना पड़ेगा, और डेल्टा जी नेगेटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, डेल्टा एच का नेगेटिव होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब डेल्टा एच मस्ट बी नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव नहीं होगा तो क्या होगा, ये प्रोसेस होगा ही नहीं, प्रोसेस होगा ही नहीं। तो हमको ये दिख रहा है कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस कंट्रोल कौन कर रहा है, तो पूरा का पूरा प्रोसेस कंट्रोल कर रहा है डेल्टा एच। तो डेल्टा एच अगर नेगेटिव होगा तो मेरा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, नहीं तो स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। और डेल्टा एच जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना बेटर है, उतना बेटर है, ये ध्यान देना। अब डेल्टा एच के बारे में कुछ पता नहीं है, डेल्टा एच को पता करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस प्रोसेस को ब्रेक कर रहे हैं डिफरेंट स्टेप में। यहाँ तो प्रोसेस डायरेक्ट हो गया ना, यहाँ से यहाँ पहुंच गया, ठीक है, लेकिन हम एनर्जी कंजर्वेशन को सोचते हैं, हम क्या कर सकते हैं, प्रोसेस को ब्रेक कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो हम क्या बोल रहे हैं कि पहले इसको हम ब्रेक करके बोलेंगे एक्स गैस गया होगा, ठीक है, यानी पहले हम इसको इसका बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, यहाँ पे एक एक्स एक्स बॉन्ड था उसको ब्रेक कर रहे हैं। तो आपको पता है एक मोल का बॉन्ड तोड़ेंगे तो दो मोल एक्स बनेगा, क्योंकि आपको एक ही एक्स चाहिए, यहाँ बॉन्ड कितना तोड़ना पड़ेगा, आधा तोड़ना पड़ेगा। अगर पूरा बॉन्ड तोड़ेंगे तो दो हैलोजन मिलता है मेरे को, लेकिन हमको आधा एक ही हैलोजन चाहिए तो क्या होगा, आधा तोड़ना पड़ेगा, यहीं हमको आधा एनर्जी देना पड़ेगा। तो बॉन्ड एंथैल्पी का आधा देंगे तो क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा। अब ये गैस में पहुंच चुका है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन हम डाल रहे हैं तो क्या बनेगा, एक्स माइनस बनेगा, यहाँ पे एक्स माइनस बनेगा। तो लेकिन ये भी क्या होगा, गैस में रहेगा, यहाँ पे कौन सा एनर्जी रिलीज होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये निकलने वाला है। और फिर इस गैस को डालेंगे पानी में, पानी में डालने पे कौन सा क्या निकलेगा, तो पानी में डालने पे क्या निकलता है, हाइड्रेशन होता है, क्या होता है, डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन निकलता है। यानी इसको हम तीन स्टेप में तोड़ सकते हैं अपने हिसाब से। क्यों तोड़ रहे हैं, क्योंकि इन तीनों के बारे में मेरे को पता है, बॉन्डिशन थैल्पी का ऑर्डर मेरे को पता है, गेन थैल्पी का ऑर्डर मेरे को पता है, और हाइड्रेशन थैल्पी का मेरे को ऑर्डर पता है, ठीक है। तो तीनों को मेरे पास चूंकि नोन था इसलिए उसको इस पाथ में ब्रेक किए, ठीक है। जो स्टेप आपका डायरेक्ट हो रहा था ना, डायरेक्ट आपको यहाँ से आप पहुंच जा रहे थे, उसको अपने अपने आसानी करने के लिए हम तीन पाथ में ब्रेक कर दिए। तो अल्टीमेटली क्या होगा, एनर्जी तो सेम ही लगेगा ना, आपका पाथ को चेंज करने से एनर्जी में तो कोई चेंज होगा नहीं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो डेल्टा एच यहाँ पर लग रहा था, जो डेल्टा एच लग रहा आपके पास, तो डेल्टा एच किसके बराबर होगा, तो बराबर होगा किसके, तो हाफ ऑफ बॉन्डिशन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी। और आपको पता है कि डेल्टा एच को नेगेटिव होना है, तो नेगेटिव होने के लिए कौन सपोर्ट कर रहा है, तो आपको पता है यार जो बॉन्डिशन एंथैल्पी है पॉजिटिव होता है, और गेन एंथैल्पी क्या है, गेन एंथैल्पी नेगेटिव होता है, और हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होता है, नेगेटिव होता है। यानी इसमें से दो फैक्टर जो है, गेन एंथैल्पी और जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है, वो डेल्टा एच को नेगेटिव होने में सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। गेन एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या हो रहा है, वो सपोर्ट कर रहा है डेल्टा एच को नेगेटिव होने में। बट जो बॉन्डिशन एंथैल्पी है वो पॉजिटिव है तो क्या होगा, वो अपोज कर रहा है। इसका मतलब अगर आपका डेल्टा एच को नेगेटिव होना है तो उसका कंडीशन क्या होना चाहिए, आपका जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो लो होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव है ना, तो इसको कम होना चाहिए, इट शुड बी लो होना चाहिए, और नेगेटिव वाला जो टर्म्स है वो ज्यादा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई होना चाहिए, और हाइड्रेशन एंथैल्पी हाई होना चाहिए, तो किसी
किसका अच्छा होगा, जिसका बॉन्ड एंथैल्पी लो हो और हाइड्रेशन एंथैल्पी और गेन एंथैल्पी क्या हो, हाई हो, ये आपका ए डिपेंडेंस होना चाहिए। अब ध्यान देना, अगर बॉन्ड एंथैल्पी का डाटा हम कंपेयर करें तो उसमें क्या होगा, उसका डाटा क्या था, पहले सबसे बड़ा किसका था, क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का और फिर क्लोरीन का, फिर आयोडीन का, ये दोनों पास पास था, ये हो गया डेल्टा एचओ बी डी। यार देखो क्लोरीन का बहुत ज्यादा हो गया, हाई हो गया, तो हाई बॉन्ड एंथैल्पी में क्या होगा, उसको अपोज ज्यादा करेगा। गेन एंथैल्पी का बात करें तो गेन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या था, चलो पहले क्लोरीन था, फिर क्लोरीन था, फिर ब्रोमीन था, फिर आयोडीन था, ठीक। अगर बात करते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी का, तो हाइड्रेशन एंथैल्पी में किसका ज्यादा था, पहले एफ माइनस, फिर सी एल माइनस, फिर बी आर माइनस और फिर आई माइनस, ठीक है। तो ये आपका सिनेरियो पूरा समझ में आ रहा है। चलो तो यहाँ देखोगे आप लोग तो बॉन्ड से हम लो होना चाहिए था, लो तो आपको बेसिकली कंपेयर आपको क्लोरीन और फ्लोरीन में सोचना था ना, सी एल और एफ में सोचना आपको, तो बॉन्ड से लो किसका है, क्लोरीन का लो है, क्लोरीन का बॉन्ड से लो है, यानी इसमें फ्लोरीन जीत गया, इसमें जो विनर रहा फ्लोरीन रहा, तो क्लोरीन का कम है क्लोरीन के रिस्पेक्ट में, तो फ्लोरीन हो गया विनर। गेन एंथैल्पी सोचोगे तो क्लोरीन आपका विनर हो जाएगा, अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी सोचोगे तो फ्लोरीन आपका विनर हो जाएगा, एफ माइनस आपका विनर हो जाएगा। तो अल्टीमेटली दो जगह एफ माइनस आगे निकल रहा है, ठीक है। तो ये दोनों इसलिए ओवरऑल जो इसका इनोड वैल्यू होगा किसका ही होगा, ओवरऑल इनोड वैल्यू जो हाई होता है वो होगा एफ टू का ज्यादा होगा, देन इसका सी एल टू से। इसका रीजन क्या हो जाएगा, इसका रीजन बोलोगे ड्यू टू हाई हाइड्रेशन इसका एफ माइनस वाला पॉइंट एंड लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ व्हाट, ऑफ F2 का लो बॉन्ड एंथैल्पी, ये दोनों फैक्टर क्या सपोर्ट कर रहा है, तो पहला ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर कौन होगा, तो ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर होता है हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, तो डोमिनेटिंग फैक्टर होगा हाइड्रेशन एंथैल्पी। लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो भी आपका कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको समझा रहे थे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या सीख लिए, हम लोग ई नोड के वैल्यूज को कंपेयर करना सीख गए कि कैसे ऐसा हुआ, ठीक है। प्लस हम लोग ऑक्सीडाइजिंग पावर के बारे में सीख गए कि ऑक्सीडाइजिंग पावर हम कैसे कंपेयर करना था, और क्लोरीन कल्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होते हुए भी उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर क्लोरीन से पीछे क्यों होता है वो आपको रीजन समझा दे, क्यों, क्योंकि फ्लोरिन का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होगा, लो होगा, और उसका इलेक्ट्रॉन गेन और उसका हाइड्रेशन एंथैल्पी हाई होगा, ठीक है। इससे आप उसको कनेक्ट कर सकते हो, इससे आप उसको कनेक्ट कर सकते हो, ठीक। अब ध्यान देना, नेक्स्ट लोगों के तरफ चलो, आपका एक टेबल है, यहाँ पर हाइड्रोजन टेबल समझ में आ गया। अब मानते हैं इसका जो हैलाइड्स है, मतलब हाइड्रोजन हैलाइड्स, इसको हमको सीखना है, ठीक। यहाँ पे जो वैल्यूज देख रहे ध्यान से, तो पहला जो प्रॉपर्टी हम बात कर रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट पे, तो ध्यान देना आपको याद होना चाहिए कि जो एचएफ होता है, एचएफ में बहुत स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग होता है, जो एचएफ होता है इसमें क्या होता है बच्चों, वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ठीक। तो ये फैक्टर आपको याद रखना, तो आपको पता है कि अगर बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट पर, तो डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन पे, और जो मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन होता है डिपेंड किस पे करता है बच्चों, तो मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन डिपेंड करता है मास पे डिपेंड करेगा यार, तो जिसका मास ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो देखो यहाँ पे शूट कर रहा है, देखो जैसे मास बढ़ा तो बढ़ा, यहाँ भी देखोगे मास बढ़ा तो बढ़ रहा है, लेकिन ध्यान देना जो एचएफ है, एचएफ का वैल्यू देखोगे मेल्टिंग पॉइंट में जंप करता है, मेल्टिंग में जंप कहाँ करता है, एचएफ आपका यहाँ पहुँच जाता है, यहाँ पे इधर एचएफ का जंप क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें एच बॉन्डिंग होता है। बॉइलिंग पॉइंट में बात करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट में जंप और ज़्यादा आगे होता है, बॉइलिंग पॉइंट में तो सबसे आगे पहुँच जाएगा, एचएफ का जो वैल्यू होता है बॉइलिंग पॉइंट में वो तो सबसे आगे पहुंच जाता है, यहाँ पहुंच जाता है, एचएफ यहाँ पहुंच जाता है बॉलिंग पॉइंट में। तो आपको ये ध्यान देना है कि बॉलिंग पॉइंट में सबसे हाईएस्ट हो जाएगा एचएफ, क्योंकि
क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसका रीजन हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देना। बाकी मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, एचआई से पीछे होता है, एचआई से पीछे रह जाता है, तो ये आप ऑर्डर याद रखना। ठीक, ये सब कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में ही सब क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, आपको टेबल को समझना, आपको थ्योरी नहीं पढ़ना। इन्होंने के वैसे बोलो क्या होता है, बुक्स को पढ़ता है, वो बेकार अप्रोच है, उससे जरूरत नहीं है। आप टेबल को एनालाइज करो तो अपने काम का से आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, उसका हम लोग बुक रीड करेंगे कि बुक में क्या बचा, तो पहले टेबल्स को रीड करना सीखते हैं। ठीक है, जैसे ज्योग्राफी को पढ़ते हैं मैप्स के थ्रू, केमिस्ट्री को पढ़ते हैं डेटा के थ्रू, केमिस्ट्री हमेशा पढ़ते हैं डेटा के थ्रू। ठीक है, ज़्यादा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टडी हमेशा करना डेटा के थ्रू। लैंग्वेज पढ़ो तो क्या होगा, हमेशा आपको एक्सेप्शन दिखेगा, एक्सेप्शन तो बाउंड ही है ना, डेटा मतलब केमिस्ट्री मतलब एक्सेप्शन तो रहेगा, तो एक्सेप्शन कितना आप याद रखोगे, उससे बेटर आप डेटा को पढ़ लो, डेटा को समझ आ जाएगा कि डेटा में किसको कैसे याद रखना है मेरे को। ठीक, बात करते हैं बॉन्ड लेंथ का, तो बॉन्ड लेंथ तो बहुत आसान है, नीचे साइज बड़ा हो रहा है तो क्या बॉन्ड लेंथ क्या हो, लार्ज होगा। ठीक है, बॉन्ड तोड़ना तो आपको पता है, बॉन्ड जितना साइज बड़ा होगा उतना बॉन्ड क्या इजिली ब्रेक करेगा, तो बॉन्ड एन्थैल्पी का घट रहा है, सबसे कम किस लिए रहेगा, एच आई का बॉन्ड तोड़ना सबसे क्या होगा, आसान होगा सबके लिए, सबसे आसान होगा एच आई का बॉन्ड तोड़ना। ठीक है, अब बात करें पीके का, यार कोई भी एच एक्स है जिसका बॉन्ड जितना इजिली टूटेगा, ठीक है, उसका के क्या होगा, हाई होगा, तो के इक्वल टू क्या होता है, एच प्लस इंटू एक्स माइनस डिवाइडेड बाई एच एक्स। जिसका के हाई होगा, जिसका के क्या होगा, ठीक है, जिसका के क्या होगा, हाई होगा, किसका के हाई होगा, जिसका बॉन्ड एन्थैल्पी क्या होगा, लो होगा। ठीक है, यानी बॉन्ड एन्थैल्पी अगर लो होगा तो के क्या होगा, हाई होगा। और आपको पता है कि के और पीके में क्या रिलेशन होता है, के और पीके में इनवर्स रिलेशन होता है, के अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, पीके क्या होगा, घटेगा। यानी आप के बढ़ाओगे उसका पीके क्या होगा, घटेगा। पीके बॉन्ड एन्थैल्पी का रिलेशन है, तो पीके इज प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एन्थैल्पी, यानी जिसका बॉन्ड एन्थैल्पी हाई होगा उसका पीके भी क्या होगा, हाई होगा, पीके भी क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, के बढ़ेगा तो पीके घटेगा। देखो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट बॉन्ड एन्थैल्पी किसका है, एचएफ का है, उसका देखना पीके सबसे हाईएस्ट है। ये देखो पीके घट रहा है, नेगेटिव में आ गया, और नेगेटिव गया, और नेगेटिव गया, जैसे से आपका बॉन्ड एन्थैल्पी क्या हो रहा है, बॉन्ड एन्थैल्पी डिक्रीज करेगा, उससे क्या होगा, पीके भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, जितना हम लोग सोच सकते हैं इतना हम लोग सोच सकते हैं। ठीक है,